फ्रेंड्स एल्विस यादव ने कर दिया अपने गर्लफ्रेंड को रिवील। मेरे तो नर्वसनेस हो रही है। एक सेकेंड, मैं बात करूं। हेलो, हाय हाय मनीषा जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। और असली बात बता दो, अब मेरी मीटिंग कौन सी है कि मैं क्या करने आया हूँ पंजाब? कटारिया, आप बताओ भाई। भाई याद है मैंने बिग बॉस में कही थी भाई मैं अपनी पंजाब वाली से मिलने आया हूँ। हम पंजाब वाली से मिलने आए। चश्मा लगा के दिखाऊंगा पहले, फिर बताऊंगा कौन भी लाल हो गया। इतना नर्व में ना ब्लश करता हूँ यार। शिट भाई, वो चश्मा भाई। फ्रेंड्स एल्विस यादव ने कर दिया अपने गर्लफ्रेंड को रिवील, सब कुछ बता दिया भाई। अगर आपने बिग बॉस OTT 2 देखा होगा तो एल्विस यादव ने वहाँ पे बताया था कि भाई उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो बिलोंग करती है चंडीगढ़ से, पंजाब से बिलोंग करती है। फाइनली आज के ब्लॉग में उन्होंने ये बताया है, वो चंडीगढ़ गए हैं, उनसे मिलने गए हैं और बताया भाई कि आज वो दिखाने वाले अपनी गर्लफ्रेंड का नाम, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आप चेकआउट कीजिए इस वीडियो को, उसके बाद बात करते हैं इसके ऊपर। ये अभी इस वाली सीट पाएगी, टेंशन मत लो, दिखाएंगे भाई दिखाएंगे। अभी रिवील होने जा रही है बहुत सारी चीज़ें। गाइस आर यू रेडी? रेडी हैं आप? रेडी हैं नहीं है? चलो अभी करेंगे रिवील है। चलो जी, सो सॉरी गाइस, मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से नहीं मिलवा पाया। भाई तुम्हारी भाभी ने कही उसकी लाइफ अभी प्राइवेट है, ठीक है, और वो नहीं दिखना चाहती ब्लॉग में, ना आज ना कल, मे बी परसों। तो फ्रेंड्स देखा आपने यहाँ पे एल्विस यादव ने आज के ब्लॉग में ये बताया कि भाई वो चंडीगढ़ एक सॉन्ग की शूट में गए हैं और साथ में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं। पर यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया, ना ही अपनी गर्लफ्रेंड से मिला है। उन्होंने साफ यहाँ पे बताया कि भाई उनकी गर्लफ्रेंड कह रही कि उनकी एक प्राइवेट जो है लाइफ है, तो वो अभी इसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते। तो यहाँ पर तो ये क्लियर हो चुका है कि भाई एल्विस यादव की गर्लफ्रेंड है पंजाब से, और बहुत ही जल्द उन्होंने ये भी रिवील किया कि अभी वो जल्दी से शादी करने वाले नहीं। फ्रेंड्स तो दूसरी न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो रिलेटेड है फुकरे इंसान और टिगर्ड इंसान से। फुकरे इंसान जब से बिग बॉस OTT 2 से निकल के आए हैं, उसके बाद टिगर्ड इंसान ने पहली बार मनीषा रानी से कॉल पे बात की है। वीडियो एक कॉन्फ्रेंस उनके बीच में हुई जहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। पहले आप इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। मनीषा से अभी तक तो बात नहीं करी है, लेकिन शायद अबू भाई हमारे एक्चुअली में अब मनीषा रानी से बात करवाने वाले हैं। भाई प्लीज करवा दे, भाई प्लीज करवा दे, हाथ पांव दबवाले। मेरे तो नर्वसनेस हो रही है। एक सेकेंड, मैं बात करूं। हेलो, हाय हाय मनीषा जी, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड अभिषेक का और आपका जितना फ्रेंडशिप देखा घर में, एब्सोल्युटली लव्ड इट। एंड बहुत सारे लोग ना वीडियोस पे कमेंट किए जा रहे हैं कि मनीषा मैम के साथ जो है लाफ्टर वाला चैलेंज बनाओ। मैंने कहा वो सब बाद में, मैं पहले आपको सिर्फ हेलो ही बोल दूं, वही। एंड हाँ, आप कुछ कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आप तो इतना आई लव कह रहे, तो आई लव मत बोलने का लास्ट में किसी को। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा यहाँ पे कैसे ट्रिगर्ड इंसान करीबन 1 से 2 मिनट तक उन्होंने मनीषा रानी से वीडियो कॉल किया और बात की, क्या उनके प्लान है, क्या है, सब कुछ उन्होंने बात किया। हो सकता है कि बहुत जल्दी उनका कोई कोलैब वीडियो भी आ सकता है और जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभिषेक मिलान और ट्रिगर्ड इंसान हो सकता है मनीषा रानी के साथ कोई कोलैब वीडियो करे, और वहाँ पे अच्छे खासे उनकी वीडियो वायरल होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जैसे ट्रिगर्ड इंसान कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 1 घंटे में ही वो 1 मिलियन लाइक, व्यूज़ की बात नहीं कर रहे, 1 मिलियन लाइक्स क्रॉस कर जा रहे हैं। 2 मिलियंस का उन्होंने यहाँ पे एक सेट रखा था कि भाई 2 मिलियंस कर देना, वो भी क्रॉस कर दिया लाइक के मामले। तो आपकी क्या राय कमेंट्स करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ जल्दी आपको एक न्यू वीडियो दूंगा।